दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बायोलॉजी की सीरीज में हम कोशिका के टॉपिक को पढ़ रहे थे। आज का ये चौथा वीडियो लेक्चर है कोशिका के टॉपिक से रिलेटेड। तीन वीडियो लेक्चर में हमने कोशिका के बहुत सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। आज दोस्तों ये लास्ट वीडियो लेक्चर है और जहाँ तक है कोशिका से आने वाला प्रश्न आपका परीक्षा में गलत नहीं होगा, इतने उचित ढंग से मैंने आपको कोशिका का टॉपिक कराया है। ठीक है, तो चलिए आज हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं, आज इस टॉपिक को खत्म करते हैं। चलिए तो दोस्तों अब सेल डिवीजन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन की बात करें तो सबसे पहले 1855 ईस्वी में रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि प्रत्येक नई कोशिका का जन्म अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ये पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि रुडोल्फ विर्चो ने ही सबसे पहले बताया था कि प्रत्येक नई कोशिका का जन्म अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रमुख कार्य क्या होता है। तो प्रमुख कार्य होता है जो मातृ कोशिका होती है उससे जन्म होता है संतति कोशिका का। ये कोशिका डिवीजन के कार्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कोशिका विभाजन से विभाजन का जो है कार्य क्या होता है। तो मातृ कोशिका का मतलब है जैसे कि एक ये कोशिका है, ठीक है, इससे अगर दूसरी कोशिका का जन्म होता है, इससे अगर दूसरी कोशिका का जन्म होता है तो इससे जन्म हुआ तो ये हो गई मातृ कोशिका यानी मदर सेल, मातृ कोशिका। जैसे एक माता से बच्चे का जन्म होता है तो माता और उसके बाद जो जन्म होता है, जो नई कोशिका का जो जन्म होगा वो होगी संतति कोशिका। संतति मतलब ड्योटर, ठीक है, कोशिका एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, तो इसलिए ड्योटर सेल, तो संतति कोशिका। तो कोशिका विभाजन से क्या होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका का जन्म होता है। पहली कोशिका को मातृ कोशिका कहा जाता है और दूसरी कोशिका को संतति कोशिका कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कोशिका विभाजन मृत, क्षतिग्रस्त या शारीरिक वृद्धि आदि कारणों से होता है। देखिए कोशिका का विभाजन क्यों होता है, तो कोशिका का विभाजन देखिए जैसे हमारा ये हाथ है, यहां से अगर ये हाथ कट जाए, यहां से इतना मांस निकल जाए, ठीक है, कोशिका जो है मृत हो जाए, ठीक है, तो इनको भरने के लिए सेलों का डिवीजन होता है। शारीरिक वृद्धि के लिए सेलों का डिवीजन होता है। एक बच्चा होता है जिसका जन्म होता है उसके बाद में उसके शरीर में वृद्धि होती है। तो दोस्तों ये वृद्धि क्यों होती है, इससे सेलों के डिवीजन के कारण होती है। ठीक है, रोजाना हमारी बॉडी में लाखों सेलों का डिवीजन होता है। ठीक है, तो सेलों के डिवीजन से क्या क्या होता है, मृत कोशिका और क्षतिग्रस्त कोशिका और शारीरिक वृद्धि आदि कारणों से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कोशिका का विभाजन तीन तरीके से होता है। तो तीन तरीके का विभाजन होता है, पहला होता है असूत्री विभाजन, दूसरा होता है समसूत्री विभाजन और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो देखिए असूत्री विभाजन को बोलते हैं एमिटोसिस, ठीक है, और सूत्री विभाजन को बोलते हैं मिटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन को बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, चलिए इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं असूत्री विभाजन एमिटोसिस कहां पर होता है। असूत्री विभाजन से आपको बस एक ही पॉइंट याद रखना है और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। यह विभाजन जो है जीवाणु, नीलहरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ, कवक आदि अविकसित कोशिकाओं में होता है। यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, अविकसित कोशिकाओं में होता है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कोशिका के प्रकार जब पढ़ाए थे तब कि अविकसित कोशिका और विकसित कोशिका कौन सी होती है। ठीक है, तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप एक बार जरूर देख लें, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए समसूत्री विभाजन की बात करें मीटोसिस, तो मीटोसिस की बात करें, देखो माइटोसिस बोलते हैं वैसे, तो माइटोसिस जो शब्द दिया था वह दिया था बाल्थर फ्लेमिंग ने 1882 में। बाल्थर फ्लेमिंग ने दिया था माइटोसिस शब्द जिसका अर्थ होता है केंद्र का विभाजन। सबसे अहम ये हमारे लिए समसूत्री विभाजन है, इसी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, जो हमारे मानव जाति से जो संबंधित है उसी के बारे में दोस्तों यहां पर ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो केंद्र का विभाजन माइटोसिस, इसका अर्थ होता है माइटोसिस का केंद्र का विभाजन। यह विभाजन केवल केवल कायिक या दैहिक कोशिकाओं में होता है, इसीलिए इसे कायिक कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे कायिक कोशिका या दैहिक कोशिका किन्हें बोलते हैं, तो जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में हम लैंगिक कोशिकाओं को छोड़ दें, लैंगिक कोशिकाओं को छोड़ने के बाद जो कोशिकाएं बचती हैं वही कायिक या दैहिक कोशिकाएं
कहलाती है। यानी दैहिक मतलब देह, ठीक है, जैसे देह हमारी बॉडी, बॉडी के अंदर जो कोशिकाएं हैं वही कोशिकाएं इनमें शामिल होती हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है, यानी मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो मैंने आपको बताया था 40 गुणसूत्र होते हैं, कोशिका विभाजन के उपरांत भी 40 गुणसूत्र बने रहते हैं, ठीक है। कोश मतलब गुणसूत्रों में कोई भी असमानता नहीं देखी जाती है। आगे देखें, समसूत्री विभाजन एक निरंतर प्रक्रिया है, मतलब ये रेगुलर चलती रहती है, ठीक है, जिसे 5 चरणों में बांटा जाता है। 5 चरण कौन कौन से हैं, यही चरण हमें पढ़ने हैं। पहला है प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, और एनाफेज के बाद में है टेलोफेज, और फिर उसके बाद में लास्ट है साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस। तो इन 5 चरणों को हमें देखना है, जिससे हमारा जो समसूत्री विभाजन है वो अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा, तो ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और जितने भी ये 5 चरण हैं, 5 चरण के बारे में अच्छे से हम देखने वाले हैं। प्रोफेज, सबसे पहले बात करें प्रोफेज की, ठीक है। तो प्रोफेज वाली कंडीशन में क्या होता है, देखिए अब कोशिका का विभाजन होने वाला है, ठीक है, अब यहाँ से जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और अच्छे से मतलब पेशेंस के साथ में बैठना है, ठीक है। प्रोफेज, प्रोफेज वाली कंडीशन में क्या होता है कि इस अवस्था में क्रोमेटिन जाल, क्रोमेटिन जाल मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये कोशिका होती है तो कोशिका के अंदर क्या होता है, ये केंद्रक, केंद्रक के अंदर ऐसे गुणसूत्र जो है एक जाल के रूप में कुंडलित होते हैं, ठीक है। तो क्रोमेटिन जाल छोटे छोटे कुंडलित धागे जैसी रचनाओं के रूप में खुल जाता है, ये खुल जाते हैं, ठीक है, विभाजन के समय ये जो अंदर क्रोमेटिन जाल का होती है ये खुल जाती है, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन्हीं जो धागे होते हैं वो जालिका होती है, इन्हीं से गुणसूत्रों का निर्माण होता है, ठीक है, तो इन्हें गुणसूत्र कहते हैं। कुछ समय बाद, थोड़े टाइम बाद, गुणसूत्र मोटे व घने हो जाते हैं, मतलब यही कुंडलित धागे जब टूट जाते हैं तो यह मोटे और घने होने लग जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक गुणसूत्र 2 सूत्रों का बना होता है, जिसे अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, अर्ध गुणसूत्र को हम क्रोमेटेड बोलते हैं, क्रोमेटेड, ठीक है। अब हिंदी में यही शब्द लिखेंगे बार बार, प्रत्येक गुणसूत्र जो है 2 सूत्रों का बना होता है, जिसे अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमेटेड। देखिए मैं यहां बता दूं, ये उस दिन भी बताया था, डबल हेलिक्स मॉडल होता है इसका, ठीक है, जो डीएनए वाले उसमें बताया था मैंने, ठीक है, जो डीएनए जब हमने पढ़ा था तो उसमें डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आपको समझाया था, तो गुणसूत्र में सेम यही होता है। देखिए तो ये जो धागे होते हैं, ये धागे, इन धागे को बोलते हैं क्रोमेटेड, ठीक है, क्रोमेटेड अर्ध गुणसूत्र, ये टूटने के बाद में, और जहां पर ये ज्वाइंट होते हैं उसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। देखिए आगे, और जिस स्थान पर ये दोनों जुड़े रहते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। चलिए आगे देखते हैं, इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली व क्रोम केंद्र का समाप्त हो जाते हैं। देखिए विभाजन जब होगा, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है, और केंद्रिका और केंद्रक दोनों, सबसे पहले केंद्रक की झिल्ली ऊपर से फट जाती है और केंद्रिका भी समाप्त हो जाती है, ये पहली कंडीशन में, यानी पहले वाले ये इस चरण में ही हो जाता है ये काम, तो ठीक है। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका समाप्त हो जाते हैं और गुणसूत्र मध्य रेखा की तरफ बढ़ना आरंभ कर देते हैं। देखिए मध्य रेखा की तरफ कैसे, ये है प्रोफेज वाली कंडीशन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये पूरी सेल है, सेल के अंदर ये केंद्रक है, ठीक है, केंद्रक के अंदर ये क्रोमेटिन जाल के टुकड़े टूट टूट के ऐसे घने और ये जो मोटे मोटे होने लग जाते हैं, ठीक है, ऊपर से एक कोशिका की झिल्ली है ये फट जाती है और केंद्रका भी नष्ट हो जाती है, ये इसमें होता है। इसके बाद में क्या होता है कि ये यहां पर देखिए गुणसूत्र मध्य रेखा की तरफ बढ़ना आरंभ कर देते हैं, ये देखिए यहां से इस तरीके से ये एक रेखा के रूप में ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, ये आएगी दूसरी मेटाफेज वाली कंडीशन में, इधर की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, एक रेखा नुमा आकृति में ये आ जाते हैं, ठीक है, तो ये प्रोफेज में इतना ही होता है, इसके बाद आता है मेटाफेज वाला चरण, ठीक है। तो मेटाफेज में क्या होता है, देखिए मेटाफेज, मेटाफेज में गुणसूत्र मध्य रेखा पर एकत्रित हो जाते हैं, जो प्रोफेज में गुणसूत्र जो है छोटी छोटी और मोटे घने आकृति में जो इकट्ठे हो गए थे, ठीक है, वो बढ़ने लगे थे एक सरल रेखा की तरफ, ठीक है, मध्य रेखा की तरफ बढ़ने लगे थे, उस मध्य रेखा पर जो है मेटाफेज में ये इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये मेटाफेज में एक लाइन में ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें तरकु स्पाइंडल के रूप में आकृति बना लेते हैं, इसे तरकु बोला जाता है, ठीक है, ये जो आकृति बनती है इसे तरकु कहा जाता है। इस अवस्था में प्रत्येक क्रोमेटेड
सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। मतलब प्रत्येक क्रोमेटेड, क्रोमेटेड क्या होता है, देखिए मैंने यह बताया था अर्ध गुणसूत्र, जितने भी अर्ध गुणसूत्र बने थे प्रोफेज वाली कंडीशन में, ये सभी सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। मतलब ऐसी आकृति में सभी जुड़ जाते हैं, जैसे कि ये सभी के सभी ऐसी आकृति में जुड़ जाते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि एनाफेज में सेंट्रोमियर जो इनका ज्वाइंट होता है, सेंट्रोमियर दो भागों में विभाजित हो जाता है। अब वो भी खुल जाता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है और क्रोमेटिड जो दो धागे होते हैं अर्ध गुणसूत्र क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं दोनों। यानी जैसे ये आकृति होती है ऐसे, ऐसे ये यहां से खुल जाता है तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। और कोशिका के दोनों ध्रुवों पर खिसक कर पहुंच जाते हैं। देखिए यहां पर मैंने आपको दिखाया है एनाफेज, ये रही एनाफेज वाली कंडीशन। यहां पर क्या होता है, ये दोनों खुल गई, जैसे ये सब खुलते हुए दिखाई जा रहे हैं, ये दोनों ध्रुवों की तरफ जो है कोशिका की ओर खिसकने लग जाते हैं। ठीक है, खिसक कर पहुंच जाते हैं। अब प्रत्येक क्रोमेटिड संतति गुणसूत्र कहलाते हैं। देखिए इसका मतलब ये है कि जब तक ये ऐसे जुड़ा हुआ था तो ये एक मात्र, मतलब मात्र गुणसूत्र था, जैसे मात्र कोशिका का नाम देते हैं ऐसे मात्र गुणसूत्र था जब तक इसका विभाजन नहीं हुआ था। इसका हो गया विभाजन तो ये दोनों क्या हो गए, संतति गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने कोशिका में भी बताया था कि कोशिका के विभाजन से पहले वो मात्र कोशिका कहलाती है, विभाजन के बाद में दो संतति कोशिकाओं का जन्म होता है। सेम टू सेम वही यहां पर प्रक्रिया दोहराई जाती है। ठीक है, चलिए। तो प्रत्येक क्रोमेटिड संतति गुणसूत्र कहलाते हैं। टेलोफेज वाली कंडीशन में क्या होता है, टेलोफेज, टेलोफेज में ध्रुवों पर एकत्रित गुणसूत्र पुनः फैलने लगते हैं। यहां पर ध्रुवों की तरफ ये जो इकट्ठे हो जाते हैं यहां से खिसक खिसक के, ये फिर से क्या होता है, वो यहां से फिर से फैलने लगते हैं। ठीक है, और अंत में क्रोमेटिन जाल के रूप में आ जाते हैं। मतलब ये खिसकने के बाद में पुनः उसी प्रक्रिया में दोबारा से आने लगते हैं जिस प्रक्रिया से ये गुजर के आए थे। यानी पहले क्रोमेटिन जाल का टूटी थी तो यह टूटने के बाद में घने हुए, मोटे हुए। ठीक है, उसके बाद में मध्य रेखा की तरफ आए, मध्य रेखा से की तरफ आने के बाद फिर एक दूसरे से क्रोमेटिड जो गुणसूत्र थे वो टूट के अलग अलग होके ध्रुवों की तरफ जाने लगे और ध्रुवों की तरफ से फिर से अब विपरीत क्रम में ये आने लग जाते हैं। ठीक है, तो फिर से एक जाल के रूप में आने लगते हैं जो कि प्रारंभिक कंडीशन में थे। ठीक है, चलिए, के रूप में आ जाते हैं। केंद्र का पुनः प्रकट हो जाती है, मतलब फिर से अब ये प्रारंभिक स्थिति की ओर आने लगे हैं क्योंकि ये अलग अलग हो चुके हैं तो अब यहां पर दो केंद्रकों का निर्माण होने वाला है। पुनः केंद्र का प्रकट हो जाती है और केंद्रक झिल्ली का निर्माण फिर से हो जाता है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण फिर से हो जाता है। देखिए यहां पर ये टेलीफेज मैंने आपको दिखाया है, ये फिर से जो है इस आकृति में बनने लग जाते हैं, एक जालिका के रूप में कुंडलित होने लग जाते हैं। ठीक है, और फिर से इसके ऊपर झिल्ली आने लग जाती है और केंद्रका बनने लग जाती है। ठीक है, इस प्रकार एक मात्र केंद्रक से दो संतति केंद्रक बन जाते हैं। अभी हम केंद्रक की बात कर रहे हैं, यहां कोशिका के अंदर ही दो केंद्रक बन चुके हैं। एक संतति मात्र केंद्रक से दो संतति केंद्रक बन जाते हैं टेलोफेज वाली कंडीशन में। ठीक है, यहां इस अवस्था में। चलिए, तो अब इसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, आइए देखते हैं साइटोकाइनेसिस के बारे में। साइटोकाइनेसिस इसमें क्या होता है कि केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। देखिए अब तक हमने केंद्रक विभाजन को देखा था, हुआ क्या था कि प्रोफेज वाली कंडीशन में क्रोमेटिन जाल का छोटे छोटे और मोटे आकृति के टुकड़ों में टूट जाती है और घने होने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में वह एक मध्य रेखा की तरफ आकर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, और एनाफेज में क्या होता है, ये दोनों अलग अलग होने के बाद में, अलग अलग होने के बाद में ध्रुवों की ओर खिसकने लग जाते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद में ध्रुवों की ओर खिसकने के बाद ये इकट्ठे होकर पुनः दो रूपों में ये एक क्रोमेटिन जालिका का निर्माण फिर से करते हैं और यहां पर केंद्रका का निर्माण भी हो जाता है और केंद्रक झिल्ली का भी यहां पर निर्माण होने लगता है। ठीक है, उसके बाद में आता है साइटोकाइनेसिस। देखिए साइटोकाइनेसिस एक्चुअल में है क्या, जो कोशिका द्रव्य है उसका अब विभाजन होगा। अब यानी दोनों कोशिकाएं अलग अलग होने वाली हैं, ये कोशिका द्रव्य का विभाजन इसमें होता है।
तो देखिए एनाफेज अवस्था से ही कोशिका द्रव्य का विभाजन शुरू हो जाता है। एनाफेज ये तीसरी अवस्था जो थी, इसमें जो है कोशिका द्रव्य का विभाजन शुरू होने लग जाता है। देखिए यहां से जो है बढ़ने लग जाता है कोशिका द्रव्य, ठीक है। और टेलोफेज के अंत में कोशिका द्रव्य बीचों बीच से अंदर की ओर धसना शुरू कर देता है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ये यहां टेलोफेज वाली कंडीशन के अंत में जब साइटोकाइनेसिस की स्थिति आती है उससे पहले ये बीचों बीच में ऐसे धसना शुरू कर देता है, ठीक है, और दो भागों में बट जाता है और अंत में कोशिका का पूर्ण विभाजन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से होता है समसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद नहीं आ रही है तो जो भी दिक्कत है परेशानी आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए, हम आपके लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। जहां तक मैं पूरा जोर लगा देता हूं कि आपका एक भी प्रश्न जो है परीक्षा से बाहर ना जाए, ठीक है। तो बस आपसे बस हमारी यही उम्मीद रहती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाकी तो हम आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, ठीक है, बाकी सब कुछ फ्री है, फ्री रहेगा, ठीक है। तो बस इतना तो आप कर सकते हैं, आपका फर्ज है, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। आप जो है हमें प्रमोट कराने की कोशिश करेंगे तो हम और ज्यादा मेहनत करेंगे, थोड़ा मोटिवेट होंगे, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए अर्धसूत्री विभाजन देखते हैं। अब ये तीसरा विभाजन बचा है हमारा, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। चलिए मियोसिस में होता क्या है, इसकी खोज जो की थी वह की थी बीजमैन ने, ठीक है, बीजमैन ने इसकी खोज की थी। नामकरण जो किया था वह किया था फार्मर तथा मूरे ने, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। अब तक हमने देखा था समसूत्री विभाजन जो दैहिक और कायिक कोशिकाओं में होता है, ठीक है, और उसके अलावा ये अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वह जनन कोशिकाओं में होता है। इस कोशिका विभाजन के द्वारा जंतुओं में शुक्राणु तथा अंडाणु, ठीक है, यानी नर में शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा में अंडाणु का, एवं पादपों में नर मादा युग्मक बनते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। देखिए यहां पर क्या होता है, यहां गुणसूत्र आधे आधे बट जाते हैं। शुक्राणु का निर्माण जब होता है तो आधे आधे गुणसूत्र बट जाते हैं, अंडाणु का माता में मतलब महिला में जब निर्माण होता है तो यहां पर भी गुणसूत्र आधे आधे बट जाते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं उसके बाद में एक युग्मक बनता है, ठीक है, और पुनः जो है ये पूरे हो जाते हैं, ठीक है। चलिए इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। शुक्राणु तथा अंडाणु संयोजित होकर युग्मनज जाइगोट, युग्मनज को बोला जाता है जाइगोट, जाइगोट का निर्माण करते हैं जिससे जीव की उत्पत्ति होती है, ठीक है। आधे गुणसूत्र पिता तथा आधे गुणसूत्र माता से मिलने के बाद गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है, मतलब पूरे गुणसूत्र हो जाते हैं। जैसे 40 गुणसूत्र है तो 23-23 जब मिल जाते हैं तो गुणसूत्रों की संख्या पूरी हो जाती है। इस प्रकार एक मात्र कोशिका से चार संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में जो है एक मात्र कोशिका से चार संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का टॉपिक, और कोशिका के टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।